वेलकम बैक व्यूवर्स तक्सवीला चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान सरवर। आज के इस वीडियो के अंदर हम एआई कंटेंट के बारे में बात करेंगे। एआई कंटेंट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट के थ्रू आप अपने डिफरेंट ब्लॉग्स को रैंक कर सकते हैं और आपको कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम जिस टूल के ऊपर बात करने वाले हैं, ये बहुत ही अफोर्डेबल और इजी टू यूज टूल है, ठीक है। बाकी टूल्स की निस्बत बहुत ही अफोर्डेबल है। और दूसरा, इसकी बेस्ट बात पता है क्या है? ये टूल बनाया है एक एफिलिएट मार्केटर ने। जी हाँ, वो बंदा खुद एफिलिएट मार्केटिंग करता है और उस बंदे ने ये टूल बनाया है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटर्स के लिए ये टूल कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा एआई कंटेंट जनरेटर टूल्स के बारे में देखते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट्स मिल सके। सो गाइज, अभी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं गूगल के अंदर सर्च करता हूँ एआई कंटेंट जनरेटर, तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट जनरेटर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि जेस्पर है, जायरो है, रॉयटर है, ठीक है, phrase.ios है, simplified.co है, jasper.ai है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम इनकी लाइफ टाइम डील्स की बात करें, जैसा कि मैं बात करता हूँ जेस्पर लाइफ टाइम डील, ठीक है। अब इसकी लाइफ टाइम डील की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कितने में मिलेगी? लेट्स सपोज के हम चेक करते हैं, इसके प्राइसिंग प्लान के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसका अगर आप देख के बिल्ड मंथली से आइडिया लगा लें कि 59 मंथ डॉलर लग रहे हैं। ईयरली प्लान करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ मैं इसको लाइफ टाइम के अंदर देखता हूं कि लाइफ टाइम के अंदर मुझे क्या दे रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका ये बॉस मोड है जिसके अंदर आप वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। स्टार्टर में ये आपको लाइक 320K के ऊपर कस्टम प्राइस के ऊपर चला जाता है, कॉन्टेक्ट सेल्स को आपको करना पड़ जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर 700 के ऊपर जाते हैं तो ये देखिए इतने ये प्राइसेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम इससे बेहतर एक टूल है, हम उसकी तरफ चलते हैं। दैट टूल इज textbuilder.ai। जी हाँ, textbuilder.ai वो टूल है जो आपको प्रोडक्ट रिव्यूज लिखने में और आपकी ब्लॉग पोस्ट लिखने में, सोशल पोस्ट लिखने में, उसके अलावा आप लोगों के वो पोस्ट लिखने में जो ब्लॉग आर्टिकल्स के अंदर आप यूज करते हैं, इंफॉर्मेटिव पोस्ट, वो सारी लिखने के लिए हेल्प आउट करेगा और 10x फॉस्टर करेगा। मतलब वो आप लोगों के लिए स्पीड अप में ये काम करेगा। तो ये हमारा textbuilder.ai टूल है, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग डायरेक्टली जोन सा है गेट योर फ्री अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा और जिसके अंदर आप लोगों को स्टार्टिंग के लिए कुछ क्रेडिट फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं इसकी बात करने वाला हूं लाइफ टाइम डील की। उससे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके राइटिंग टूल के अंदर आपको 3 AI राइटिंग टूल फॉर सिंगल प्राइस में मिल जाएंगे, जिसके अंदर वर्ड फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बिल्डर आप लोगों को मिलेगा, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं चीजों को, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उन टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंगली कंटेंट जनरेट होकर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को कॉपीराइटर और ब्लॉगर के लिए लंबे, मतलब आप लोग लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं, ज्यादा टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं और आप लोगों को ज्यादा टेक्स्ट अच्छी एक जैसे ह्यूमन ने लिखा होता है वैसी राइटिंग में मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आप लोग एड्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए डिफरेंट तरह के कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको होम पेज कंटेंट नहीं मिल रहा, अबाउट अस कंटेंट नहीं मिल रहा, ये चीजें नहीं मिल रही, तो आप लोग इस एआई टूल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको सैंपल आउटपुट भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब अदर टूल में और इस टूल में डिफरेंस क्या है, तो वो मैं बात करूंगा प्राइसिंग की। अगर हम इसकी प्राइसिंग के ऊपर आ जाए, मैं नीचे स्क्रॉल करता जाता हूं, यहां पर मुझे प्राइसिंग का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसकी आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज्यादा ही इसके अंदर ऑप्शन है। तो मैं यहां पर इसकी प्राइसिंग के अंदर चला जाता हूं, प्राइसिंग के ऊपर मैं आ गया, ठीक है। प्राइसिंग बहुत ही अफोर्डेबल में मिलेगी, लिमिटेड टाइम ऑफर आप लोगों को मिल रही है, गेट लाइफ टाइम प्लान
और लाइफ टाइम प्लान आप लोगों को कितने का मिल रहा है, जस्ट $79 का। जी हाँ, जस्ट $79 के अंदर आपको 50,000 वर्ड मिल रहे हैं हर मंथ। ये नहीं कि जस्ट एक दफा आपको 50,000 मिलेंगे, हर मंथ आप लोगों को 50,000 इंक्रीज होते जाएंगे। अनलिमिटेड कॉपी जनरेशन, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट, ऑल रिजल्ट हिस्ट्री, AI टेक्स्ट बिल्डर, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग, ऑल टेम्पलेट्स। ठीक है, ये आप लोगों को फॉर द वन टाइम आप लोगों को $79 मतलब $80 के अंदर मिल गया। दूसरी लाइफ टाइम प्लान आप लोगों को $7,300, $400, $500 के अंदर मिल गया, लेकिन यहां पर आप लोगों को जस्ट $79 के अंदर मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने इसका लाइफ टाइम प्लान नहीं लेना तो आप इनका मंथली प्लान चेक कर सकते हैं, जो कि $90, $29 और मैक्सिमम $39 पर मंथ के ऊपर आप लोगों को जा रहा है, जिसमें आपको अनलिमिटेड वर्ड्स पर मंथ मिल रहे हैं, अनलिमिटेड कॉपी जनरेशन मिल रही है, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट, AI टेक्स्ट बिल्डर और सारा कुछ आप लोगों को यहां पे मिल रहा है, जस्ट $39 या $40 आप लोग कह सकते हैं। तो ये इस तरह यहां पर डिफरेंट है। अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो दूसरों की निस्बत इसके फीचर्स भी काफी हद तक डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आपको ड्रॉप एंड ड्रैग बिल्डर मिल जाता है। मैं अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये देखिए, आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, एड्स कॉपी के अंदर AIDs फ्रेमवर्क्स जनरेट कर सकते हैं, पास फ्रेमवर्क कर सकते हैं, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के रिगार्डिंग डाटा जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉग का इंट्रो जनरेट कर सकते हैं, आउटलाइन आइडिया निकाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं और पूरे के पूरे पोस्ट की कंक्लूजन लिख सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट लिखी हुई है तो आप उसकी कंक्लूजन बना सकते हैं। एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यूज, आप एफिलिएट प्रोडक्ट रिव्यूज पैराग्राफ लिख सकते हैं, रिव्यू इंट्रो लिख सकते हैं, फीचर जो आप लोगों को पसंद हो वो लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स तक आप लोग लिख सकते हैं। तो डिटेल में आप लोगों को ये लिख के प्रोवाइड करेगा। इसी तरह सोशल मीडिया कंटेंट हम लोगों को मिल जाता है, जिसके अंदर पिंटरेस्ट पिन, इंस्टाग्राम कैप्शन, यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो स्क्रिप्ट हुक एंड इंट्रोडक्शन। इसी तरह ई कॉमर्स के रिगार्डिंग चीजें मिल जाएंगी और वेबसाइट एंड स्टार्टअप के रिगार्डिंग चीजें मिल जाएंगी। एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर आप TextBuilder.ai का लाइफ टाइम प्लान खरीदना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक आप कॉपी करें TextBuilder.ai या डायरेक्टली इनकी साइट पे आ जाएं, आप नाम करें। ठीक है, इनका लाइफ टाइम प्लान खरीदने के लिए ना अगर मैं प्राइसिंग के अंदर जाता हूं तो एक अनलॉक कोड आप लोगों को चाहिए होगा। वो अनलॉक कोड आप लोगों को ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस अनलॉक कोड को आप लोग यूज करके इस TextBuilder का लाइफ टाइम प्लान आप लोग बाय कर सकते हैं। सॉरी गाइज, नेट स्लो की वजह से वो साइट नहीं ओपन हो सकी। चले, अनलॉक कोड आप लोगों से मांगेगा, आप लोगों ने वो अनलॉक कोड मेरे से ले लिया और वो अनलॉक कोड आप जैसे ही पेस्ट करेंगे आप लोगों के पास लाइफ टाइम डील ओपन हो जाएगी और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाने के बाद मैं अपने मेंबर एरिया में आ जाता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका लाइफ टाइम डील है, मैंने इसकी लाइफ टाइम डील ली हुई है और अभी मेरी रिन्यू हुई है, तो हम अब इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली चेक करते हैं। ओके, सो गाइज, हम अपने टेक्स्ट बिल्डर के अंदर आ चुके हैं, यहां पर मैं AI राइटर्स के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, AI राइटर के अंदर आने के बाद अब हम एक ब्लॉग का टाइटल लिखने वाले हैं। ठीक है, टाइटल जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, तो मैं यहां पर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों का सबसे पहले जो चीज आ रही है वो टाइटल ही आ रही है, हाउ टू गेट मोर विजिटर टू योर वेबसाइट, ये जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ, तो मैं स्टार्ट राइटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है, अब ये देखिए ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ मेरे पास यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे सिलेक्ट करना है कि आप लोगों को ब्लॉग पोस्ट लिखनी है या टॉप 10 बेस्ट रेप्टिकल लिखने हैं, ये चीज आप लोगों ने पहले डिसाइड करनी है। ठीक है, यहां पर देखिए आपको लेफ्ट साइड पे सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसा कि प्रोडक्ट रिव्यूज पैराग्राफ, इंट्रो सेक्शन के अंदर हाउ वो पिक एंड टेस्ट थिंग्स टू कंसिडर, प्रोडक्ट रिव्यूज, ब्लॉग इंट्रो, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, हाउ टू ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, बाइंग गाइड आउटलाइन, बुलेट, हाउ टू बुलेट पॉइंट सेक्शन, FAQ क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चन लॉन्गर, एक्सप्लेन दिस, इवन दो आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं और यहां पर भी आपको राइट साइड पर भी सारी चीजें मिल रही हैं। यहां पर आपको राइट मोड इसका मिल रहा है, जो कि आप मीडियम लार्ज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर वर्ड्स काउंट आप लोगों के यहां पर आ जाएंगे।
सो अभी हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर चलते हैं, जो कि हमने सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट टाइटल एक जनरेट करना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मैं ब्लॉग के टेम्पलेट्स के अंदर आता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखा है ब्लॉग टाइटल, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरे पास ब्लॉग टाइटल का सेक्शन आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है। मैं क्लियर फील्ड एक दफा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप आउटपुट पहले जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी कि आप लोग किस चीज के रिगार्डिंग लिखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लाइक मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस प्लगइन्स, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर डिफरेंट चीजें मिली हैं, ये 24 मस्ट हैव वर्डप्रेस प्लगइन वाले सेक्शन पे मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस सेक्शन को जोन सा है मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ये इतना सा मुझे इंट्रो ठीक रहेगा, ठीक है। मैं स्टार्टिंग का इंट्रो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये अब मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को गुड शो करवा रहा है। मैं रिजल्ट 5 जनरेट करता हूँ, यहाँ पर ऊपर देखिए मेरे पास 50,000 क्रेडिट है। जैसे ही मैं जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, सॉरी आप 3 एट अ टाइम कर सकते हैं, सॉरी जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे 3 ब्लॉग पोस्ट आइडियाज यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और यहां पर मेरे कुछ क्रेडिट्स यहां से यूज हो गए हैं, जैसे कि टॉप 10 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2020, बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2022, आवर एक्सपर्ट टॉप पिक्स एंड 6 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2020। अच्छा, ये 2020 को आप 2022 कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। मोस्ट पॉपुलर एसईओ बैकअप डिजाइन सिक्योरिटी एंड स्पीड। अगर आपको ये नहीं ठीक लगते, आप जनरेट टेक्स्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करें, दोबारा आपके क्रेडिट यहां से यूज हो जाएंगे और 3 मजीद आप लोगों के पास जनरेट हो जाएंगे। 10 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2022, टॉप 25 बेस्ट फ्री एंड पेड वर्डप्रेस प्लगइन फॉर 2022। अब मुझे ये जो टाइटल है ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैं इसी को जोन सा है कॉपी कर लेता हूं। ये मेरा ब्लॉग पोस्ट टाइटल हो चुका है। अब हम एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए मुझे ये AI राइटर के अंदर जाना पड़ेगा। टाइटल हमारे पास आ गया, हम इसी टाइटल को यूज करने वाले हैं, राइट अ ब्लॉग पोस्ट। मैं इसके ऊपर जाता हूं, अब मैंने यहां पर ब्लॉग पोस्ट लिखने वाला हूं, तो मैं टाइटल अपना जो कॉपी किया था वो मैंने यहां पर पेस्ट किया, स्टार्ट राइटिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, यहां पे अब आपको वर्डप्रेस प्लगइन जो आप लोगों ने यूज करने हैं वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब आप लोगों का आ रहा है ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ, उसने पहले ही लिख दिया। मैं सबसे ऊपर यहां पर लिख लेता हूं, ये जी मेरी हेडिंग 1 आ गई, ठीक है। टॉप 25 प्लस बेस्ट फ्री पेड वर्डप्रेस प्लगइन। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे मुझे इसी टाइटल के रिगार्डिंग 3 आउटपुट शो करवाए, किसके? ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ के, ठीक है। तो मैं जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब मेरी पोस्ट का यहां पे इंट्रो पैराग्राफ के 3 सैंपल मेरे पास आ जाएंगे, जिसको मैं रीड कर सकता हूं। यहां पर ये देखिए, बहुत ही लाइक अच्छे किस्म से लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोगों के पास लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं तीनों ही यूज कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं पैराग्राफ के अंदर चेंज करता हूं, ओके, ऊपर भी पैराग्राफ हो रहा है, चलें वो बाद में हम कर लेते हैं। इसको मैं ऐड करता हूं, ठीक है, ये ऐड हो गया एंड ये भी ऐड हो गया, ओके। अब मैंने तीनों ही ऐड कर लिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज करना चाहते हैं। खैर, आप लोगों के पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब आप लोगों के पास ब्लॉग पोस्ट इंट्रो जो है वो जनरेट हो गया। ब्लॉग पोस्ट इंट्रो के बाद क्या आता है, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अब मुझे आउटलाइन चाहिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, सेम आपका टाइटल है उसने जनरेट किया, और जनरेट टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, आउटपुट मैंने अभी एक ही रखा है। अच्छा, ऊपर से उतने मेरे क्रेडिट यूज होते जाएंगे जितनी दफा मैं करूंगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक आउटलाइन आ जाती है, ठीक है। तो मैं इस आउटलाइन को यहां पे रखता हूं, ठीक है, ये देखें ये आप लोगों की आउटलाइन आ गई है, ठीक है। तो अब ये चीज जो सी है ना, ये आप लोगों की आउटलाइन के अंदर आ गई। अब यहां पर मैं व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन एंड व्हाई आर दे इंपोर्टेंट, यहां से इस हेडिंग से स्टार्ट करना चाहता हूं। तो ये मेरी हेडिंग आ गई फर्स्ट नंबर पे, इसको मैं यहां पर रखता हूं
बायर गाइड या हाउ टू ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन आप लिखना चाहते हैं तो ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू बुलेट पॉइंट सेक्शन भी कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन, ब्लॉग टाइटल, सारी चीजें आप लोगों के पास आ रही है। तो मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ के अंदर चलता हूं और आपके पास टाइटल में रखूंगा व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन एंड व्हाई आर दे इंपोर्टेंट, जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं एंड मेरे पास डाटा जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये वाला डाटा जो है इसने 63 वर्ड का जनरेट किया है, इसको मैं यहां पर रख दूंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये चीज जो आप लोगों के पास आ रही है ना, ये सारी की सारी आप लोगों के पास आ रही है ब्लॉग पोस्ट के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये कंप्लीट एक ब्लॉग पोस्ट इसी तरह करते करते बनकर रेडी हो जाएगी। लास्ट पे हमने कंक्लूजन लिखना आता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मेट वगैरह करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब हमने कंक्लूजन ऐड करना है, तो कंक्लूजन के लिए भी मेरे पास यहां पर सेक्शन मौजूद है जो कि है ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन प्लस CTA, मतलब कॉल टू एक्शन बटन है। तो इसमें यहां पर आप लोगों ने अपना इंट्रो लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रो है, मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, दो रिजल्ट मैं जनरेट करता हूं और जनरेट टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। सो ऐसा करने से क्या होगा ना कि अब मेरा इसी पोस्ट के रिगार्डिंग एक कंक्लूजन जनरेट होकर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये ले, ओके, ये हमारा कंक्लूजन तक किसने जनरेट करके दे दिया और हमारे पास ये एक कंप्लीट जो सी चीज है वो यहां पर रेडी होकर आ गया। अब ये हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को सारे जनरेटेड डाटा मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास जो ब्लॉग पोस्ट जनरेट हुई है आप इसको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसका चेक करता हूं कि आया ये प्लेजरिज्म फ्री है कि नहीं है। तो डुबली चेकर को ओपन में कर लेता हूं और यहां पर मैं ये सारा टेक्स्ट ही कॉपी कर लूंगा इंक्लूडिंग हेडिंग्स, ठीक है। एंड आई थिंक 381 टोटल वर्ड्स अभी इसने लिखे थे, ठीक है। 381 वर्ड्स को मैं करता हूं चेक प्लेजरिज्म के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, लेकिन अभी एक दफा लोड हो ले, ये देखें साइट अभी लोड हो रही है, तो लोड हो लेने दें। सो लोड हो गई साइट, आई एम नाइट अर बोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं और चेक प्लेजरिज्म के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। सो प्लेजरिज्म हमारा चेकिंग की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोगों को भी इस चीज का पता है, आप लोगों को भी इस चीज का पता है। तो ये चीज जो उनसी है प्लेजरिज्म चेकिंग के ऊपर आ जाएगी, तो हम इसके बाद डिसाइड कर पाएंगे आया ये चीज जो उनसे प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर आप इस टूल को एक अच्छा लाइक देते हैं तो मैं इसी टूल को यूज करते हुए टॉप 10 बेस्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग भी बनाना सिखाऊंगा, बाइंग गाइड भी बताऊंगा इसके कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा आपको लाइफ टाइम डील की एक और चीज भी प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको डिस्काउंट देगी और इसके ऊपर 79 के बजाय आपको $59 के अंदर भी प्रोवाइड करवा सकता हूं। जस्ट अगर आप लोग कमेंट करेंगे आप लोगों को पसंद आता है टूल तो तब ही ये मुमकिन है। इसने ना अभी तक देखे 54% किया, 67 इसमें 4% प्लेजरिज्म आया। कौन सी साइट से, व्हाट आर वर्डप्रेस प्लगइन एंड व्हाई आर दे इंपोर्टेंट फॉर योर ब्लॉग, ठीक है। लेकिन इतना सा प्लेजरिज्म आपको पता है 12 से 15% तक प्लेजरिज्म चलता है, बट राइट नाउ ये आप 100% यूनिक ही समझे क्योंकि इसने जो सिमिलैरिटी शो करवाई होगी वो देखें, जस्ट ये आप लोगों की एक लाइन है, ठीक है। तो इट्स डजेंट मैटर, ये लाइन आप लोगों की सेम हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 96% आप लोगों को ये यूनिक शो करवा रहा है। सो ये टेक्स्ट बिल्डर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाएं और ये जो कोड आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा है ये भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको यूज करते हुए लाइफ टाइम डील आप लोगों ने बाय कर लेनी है इनकी, ताकि आप लोग भी एक अच्छी से अच्छी पोस्ट लिख सके। और इंशाल्लाह इसी के ऊपर मैं एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर टॉप 10 एफिलिएट आर्टिकल्स लिखकर बताऊंगा कि किस तरह आप एफिलिएट अपने लिंक इसके अंदर लगा सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज पूरी वीडियो देखने के लिए, अब आप लोग मुझे इजाजत दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद अपडेट्स आती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।